श्रद्धालुओं द्वारा आज पूरे देश भर में मकर संक्रांति का पर्व आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। नवग्रह की नगरी के नाम से विख्यात खरगोन के कुंदा नदी तट स्थित करीब 450 वर्ष प्राचीन और देश के एकमात्र ऐतिहासिक सूर्य मंदिर के नाम से प्रसिद्ध श्री नवग्रह मंदिर में भी श्रद्धालु भगवान सूर्य नारायण के दर्शन के लिए अल सुबह से पहुंचे हुए हैं। मान्यता है कि श्री नवग्रह मंदिर में सूर्य की पहली किरण भगवान सूर्य नारायण पर गिरती है, इसलिए इस मंदिर में आज के दिन दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। शहर के कुंदा नदी किनारे स्थित नवग्रह मंदिर में भगवान सूर्य नारायण के दर्शन के लिए मंदिर में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थी। आज के दिन भगवान सूर्य नारायण दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश करते हैं, जिससे मकर संक्रांति उनकी आगवानी का पर्व माना जाता है। इसलिए आज के दिन यहां देश प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि आज के दिन भगवान सूर्य नारायण और नवग्रह की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। संक्रांति का महापर्व सूर्य की आगवानी का महापर्व है, जिस दिन उत्तरायण का प्रारंभ होता है। खरगोन शहर के प्राचीनतम श्री नवग्रह मंदिर, जो कि सूर्य प्रधान नवग्रह मंदिर है, सूर्य ग्रहों के राजा है और ग्रहों के मध्य में विराजमान होते हैं। माँ बगलामुखी देवी और ब्रह्मास्त्र के साथ मकर संक्रांति महापर्व पर यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में महाभिषेक होता है। सूर्योदय के समय भगवान सूर्य की महाआरती का आयोजन किया जाता है। भगवान को प्रिय तिल गुड़ के मोदक की महाप्रसादी का आज के दिन भोग लगता है। आज के दिन सूर्य भगवान को सूर्य ग्रह से संबंधित सामग्री लाल कपड़ा चने की लाल कपड़ा गेहूँ मसूर की दाल का दान किया जाता है। इसके अलावा तिल गुड़ और खिचड़ी का दान किया जाता है, जिससे वर्ष भर हमें ग्रहों के राजा सूर्य की कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। वर्तमान समय में कोरोना महामारी के कारण पूरा विश्व भयभीत है। इस प्रकार की महामारी में जीवनीय शक्ति प्रदान करने वाले भगवान सूर्यदेव की आराधना हमारे लिए बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है और बहुत ही लाभकारी रहेगी। आज के दिन यहाँ पर भगवान श्री सूर्यदेव नवग्रह और माँ बगलामुखी देवी की दर्शन और पूजन के लिए प्रदेश भर से भारी संख्या में दर्शनार्थी आए हैं और देखने में आ रहा है कि प्रशासन के नियमों के अनुरूप अधिकांश दर्शनार्थी मास्क का उपयोग करते हुए दर्शन का लाभ ले रहे हैं। इसलिए सभी पर नवग्रह की कृपा और आशीर्वाद बना रहेगा और कोरोना महामारी से हम बहुत जल्दी ही मुक्त होंगे, ऐसी इस मकर संक्रांति पर्व पर कामना। आचार्य लोकेश जागीरदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।